कनीना बस हादसे के बाद प्रशासन सख्त होता दिखाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र के उपमंडल पिहोवा में शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया औचक निरीक्षण, जहां बस के अंदर पाई गई खामियों के चलते जहां बच्चों के बैठने के लिए ना तो जगह थी, ना ही कंडक्टर और बस चालक के द्वारा ड्रेस डाली हुई थी और बच्चों को भी बोनेट के ऊपर बिठाया गया था। परमजीत सिंह प्रधान, अध्यापक जीएमपीएस ककराला गुजरात ने बताया कि प्रशासन के द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें निजी स्कूलों के बसों की चेकिंग की गई, जिसमें बच्चों को बोनेट पर बिठाया हुआ था। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ना तो यूनिफॉर्म डाले हुए थे और उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों की बसों के नंबर नोट कर लिए गए हैं। निजी स्कूलों को नोटिस भी भेजा जाएगा ताकि आने वाले समय में बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। कल की घटना को देखते हुए हमने आज पत्रकारों को साथ में लेके पेवा में एक चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें खंड पेवा के जितने भी प्राइवेट स्कूल थे उनकी निजी बसों को हमने अपने स्तर पर चेक किया है। उसमें कुछ खामियां मिली हैं, जैसे कि कुछ बच्चे बोनट में बैठे होते जो ड्राइवर और कंडक्टर अपनी जो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में नहीं थे, तो हमने सभी की बसों का नंबर नोट कर लिया है और उनको तुरंत नोटिस जारी किया जाएगा ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो सर, जिस तरह सरकार के द्वारा बड़े कदम उठाए जा रहे हैं कि जो इस तरह के सेफ्टी नहीं यूज़ कर रहे हैं, कि सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? वैसे हमें समय समय पर हम उनको एक विभागीय पत्र भी जारी करते हैं कि वो जो सुविधाएँ हैं बच्चों को और बसों में उपलब्ध करवाएँ, परंतु कुछ फिर भी कमियाँ रह जाती हैं, उनको दूर कराने का प्रयास करेंगे।